कि जो लहसुन हमने बोई थी 40-40, 50-50, 60-60 बीघे की जो लहसुन बोई थी, आज स्थिति ये है कि बिकने को तैयार नहीं है। मैं हमारे कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार दिखाएं, ये शानदार बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी की लहसुन थी जो आज अच्छी लगती। ये कोई खराब लहसुन नहीं है, किसी किसान को लग रहा हो या किसी व्यापारी को लग रहा हो कि सरकार किसी अधिकारी को लग रहा हो ये लहसुन खराब है, तो ये ऐसा नहीं है। ये देखो आप, ये लहसुन खराब नहीं है और पूरी की पूरी आइसर फेंक दी। तो आज स्थिति ये है कि एक मोटरसाइकिल 5 साल में उसकी कीमत डबल हो गई है, आपको कपड़े की कीमत डबल हो गई है, मोबाइल की कीमत डबल हो गई है, डीजल पेट्रोल सभी की कीमत लगभग डबल हो चुकी है। केरोसिन आज भी गेहूं 2000 रूपये क्विंटल में चाहिए, लहसुन उनको आज भी 5 रूपये किलो चाहिए, प्याज 5 रूपये किलो चाहिए, आलू 5 रूपये किलो चाहिए। तो या तो हमें किसानी छोड़ना पड़ेगी या तो हम मजदूरी करने, मजदूर की आज देखो मजदूर की मजदूरी डबल हो गई है, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस है। अगर केसीसी अगर नहीं होता तो ये समझ लो किसान के घर में खाने के लाले, किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और उसकी स्थिति मानता हूं मैं कि किसान ने इस बार अच्छी, कोई भी चाहता है कि मैं ज्यादा तरक्की करूं तो कि एकमात्र किसान ही एक ऐसा क्षेत्र है या परिक्षेत्र बोल सकते हैं इसको, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ने की सजा मिलती है, उत्पादन बढ़ने की सजा मिलती है, शाबाशी नहीं मिलती है। उत्पादन अगर बढ़ा है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, अगर कोई फैक्ट्री अगर उत्पादन ज्यादा करती है तो उसकी इनकम बढ़ती है, लेकिन किसान अगर उत्पादन कोई ज्यादा करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हो कि ये एक आइसर पूरी भर के नागदा जिला धार बदनावर तहसील का एक छोटा सा गांव है, इसमें पूरी पूरी आइसर डंप कर दी गई है। आप देख सकते हो किसान की स्थिति बहुत ही बुरी है। और इसमें कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे कि ज्यादा बो दी ज्यादा बो दी, तो ये ज्यादा बोना है, हमारा काम है पकाना और आपका काम है बेचना। आप सिस्टम आपके सुपुर्द कर रखा है, सरकार आपके सुपुर्द कर रखी है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द कोई कड़ा नियम कानून उठाए, इसको निर्यात करे या चाहे कुछ भी करो, इसके बम गोले बनते बना लो पर लहसुन के किसान को बचा दो। यही आपसे निवेदन है, यही शुभकामना है। ढूंढी लाओ वहां ने इनाम दांगा अपने जो यह बात कह दिया था, ये गाँव से तो नहीं पड़ेगा।